दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी आसान शब्दों के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को समझा दूंगा और इसी के साथ में आपसे यह क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर भी काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू के अंदर आपको क्या जवाब देना है वो भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको दो लाइन के अंदर बताऊंगा। उस आंसर को बता के आप अपना इंटरव्यू में इंप्रेशन काफी अच्छा बना सकते हो। दोस्तों आपने अधिकतर बार जो वोल्टेज ड्रॉप वर्ड सुना होगा वो उस केस में सुना होगा जो हमारी जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को हम कहीं पर ट्रांसफर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी एक मोटर है, यहाँ पे एक हमारी मोटर है और मैं यहाँ से मेरी पावर सप्लाई जो थ्री फेज सप्लाई है उसको मैं इस मोटर को भेजना चाहता हूँ और जो मेरी मोटर दूर है इस कारण से दोस्तों हमारे जो वोल्टेज है जो मैंने यहाँ से भेजे वह वोल्टेज पूरे यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे, मेरी मोटर तक पूरे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके बीच में हमारे वोल्टेज कितने कम हो गए वो कहलाते हैं हमारे वोल्टेज ड्रॉप और हमने सबसे ज्यादा यहीं पे ही वोल्टेज ड्रॉप सुना है। तो दोस्तों आखिरकार वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, तो मैंने ये लिखा है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज लॉस, मतलब कि हमारे जो वोल्टेज के लॉस हो रहे हैं वो वोल्टेज के लॉस ही हमारे वोल्टेज ड्रॉप कहलाते हैं। और दोस्तों अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हमारे सर्किट के अंदर कुछ ज्यादा ही पैदा होता है इसका मतलब हमारे उस सर्किट की एफिशिएंसी कम हो चुकी है। दोस्तों अब जो मैं आपको लाइन बताने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा ज्यादा कितने परसेंट तक होना चाहिए। तो दोस्तों इस समय आपको क्या जवाब देना है, इस समय आपको बोलना है कि एनसीई के अनुसार, एनसीई क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड सेक्टर है, इसके अनुसार दोस्तों हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है 5% से ज्यादा हो रहा है। जैसे मैंने भी आपको बताया जितना ज्यादा हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी गिर रही होगी। तो एनसीई के अनुसार हमारा अगर 5% से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप है तो वो हमारे सिस्टम के लिए, हमारे सर्किट के लिए खराब है, इससे ज्यादा हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज लॉस हुआ तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो आखिर ये वोल्टेज लॉस होता किस कारण से है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका कुछ एक मुख्य कारण नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसा एक हो सकता है हमारा जो वायर है उस वायर के मटेरियल के आधार पे, जैसे हम जो वायर को उपयोग कर रहे हैं वो वायर हमारा कॉपर का है या फिर एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों ये दोनों मटेरियल है, इन दोनों मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होती है, वो काफी अलग अलग होती है। तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप वायर के मटेरियल के अनुसार भी बदलता रहता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे वायर की साइज भी काफी ज्यादा निर्भर करती है वोल्टेज ड्रॉप पे, अगर हमने वायर कम ज्यादा साइज का लगा रखा है तो उससे भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। इसके बाद में दोस्तों मैंने तीसरी चीज लिखी है वो है वोल्टेज एंड डिस्टेंस, मतलब हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसमें हमारा तीसरा कारण है वोल्टेज और डिस्टेंस, मतलब हमने आखिरकार सर्किट के अंदर वोल्टेज कितने दिए। दोस्तों देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारा जो लैंप है या फिर हमारी कोई मोटर है, हम उदाहरण ले लेते हैं जैसे हमारा एक लैंप है, ठीक है, एक हमारा बल्ब है। अब ये बल्ब को तो चाहिए 220 वोल्टेज पर मैंने यहां से इसको भेज दिया ओनली फॉर 150 वोल्टेज, तो ना ये मेरा बल्ब चलेगा और जो मेरे 150 वोल्टेज है ये वोल्टेज भी हमारे लॉस के फॉर्म में चले जाएंगे। तो आखिरकार मेरे इस बल्ब को पर्याप्त कितने वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज भी मेरे को पता होना चाहिए, यानी सही वोल्टेज भेजना है मुझे, और हमारा जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के हिसाब से भी वोल्टेज चेंज होता है। अगर हमारा ये बल्ब या फिर हमारी ये मोटर अगर कहीं ज्यादा दूर है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमारे वोल्टेज है उस वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा के भेजूंगा। तो इस तरीके से भी हम वोल्टेज ड्रॉप को मैनेज करते हैं। इसके बाद में दोस्तों फोर्थ चीज है वो है लोड, लोड के कारण भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। लोड के कारण मतलब दोस्तों हमारा जो वायर है उस वायर की कैपेसिटी ज्यादा, अगर मैंने उस पर लोड जोड़ रखा है तो उससे मेरा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। दोस्तों एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपने कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप सुना और आप सोचोगे ये तो नुकसान की बात है, ऐसा नहीं है दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है। ये कहां जरूरी है इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि वोल्टेज ड्रॉप काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसकी जरूरत क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उस सर्किट के अंदर आपने कई बार देखा है कि हमारे पास जो एलईडी है वो एलईडी तो हमारे पास 2 वोल्ट की है पर हमारे पास जो बैटरी है वो बैटरी हमारे पास 9 वोल्ट की है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस बैटरी के 9 वोल्ट को अगर मैं इस एलईडी के अंदर दूंगा तो मेरी एलईडी जो होगी वो खराब हो जाएगी। तो इस समय मैं क्या करता हूँ दोस्तों, बीच में एक रजिस्टर लगा देता हूँ और उस रजिस्टर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है हमारा काफी ज्यादा रजिस्टेंस, और वो रजिस्टेंस क्या करता है हमारा जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को लॉस करता है, मतलब हमारा एक तरह का वो रजिस्टर हमारे वोल्टेज को ड्रॉप करता है हमारे इस सर्किट के अंदर। तो दोस्तों एक तो ये हो गई हमारे वोल्टेज ड्रॉप की जरूरत। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और मैं उदाहरण दूं, अगर एसी सर्किट का उदाहरण दूं, ये तो अभी मैंने डीसी का दिया कि हमारी बैटरी तो डीसी के अंदर, पर अगर मैं एसी सर्किट का उदाहरण दूं तो दोस्तों इसके अंदर आप क्या समझ सकते हैं, आपने हमारे दिवाली के समय जो उपयोग होती है हमारी जो एलईडी उपयोग में होती है, काफी सारी लड़ होती है एलईडी की वो उपयोग में होती है, तो दोस्तों वो हम चला कैसे लेते हैं, तो दोस्तों वो उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण ही चला लेते हैं। हमारा क्या होता है दोस्तों, अगर मैं 220 वोल्टेज में डायरेक्ट एलईडी को जोड़ दूंगा तो वो एलईडी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों उस समय हम क्या करते हैं, हमारे सर्किट को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो जाए और हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। दोस्तों देखिए कैसे होता है, हमारा जैसे फेस है और ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये दोनों है। अब दोस्तों ये फेस और ये न्यूट्रल के बीच में कितने वोल्टेज है, 220 वोल्टेज। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट इसके बीच में एक एलईडी लगा दूंगा तो दोस्तों क्या होगा, वो एलईडी को एक लगाऊंगा तो मेरी क्या होगी, वो एलईडी भी खराब हो जाएगी और मेरा शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे खूब सारी एलईडी बीच बीच में लगा देता हूँ, सर्किट बना देता हूँ एलईडी के साथ में। तो दोस्तों ये एलईडी
एलईडी क्या करती है, ये एलईडी का कुछ रेजिस्टेंस होता है तो ये थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप करती है, इसके बाद में ये एलईडी का कुछ रेजिस्टेंस होता है ये थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप करता है। ऐसे दोस्तों ये सारी एलईडियां जो होती है वो सारी एलईडी कुछ कुछ वोल्टेज ड्रॉप करती है और हमारे जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल के पास में आते आते हमारा वोल्टेज जो है काफी कम हो जाता है ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट बन हो और हमारी जो सारी एलईडी है वो एलईडी भी चल जाती है। तो दोस्तों इससे आपको समझ में आ गया कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप की जरूरत क्या है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि वोल्टेज लॉस को या वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं और हमारे सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होने के कई सारे कारण होते हैं। पर दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो आप इतना सब कुछ नहीं बता सकते, उस समय आपको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाता है कि आखिर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है तो आपको सिर्फ यह दो लाइन बोलनी है। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हो तो आप यह बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ वोल्टेज लॉस इज डिफाइंड एज द वोल्टेज ड्रॉप, मतलब हमारे सर्किट के अंदर जो लॉस है वो लॉस कितने अमाउंट के अंदर है उसी को ही हम वोल्टेज ड्रॉप से डिफाइन करते हैं, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कहकर दर्शाते हैं। इसके बाद में सेकंड लाइन हमको यह बतानी है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड द सर्किट, मतलब कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो वोल्टेज ड्रॉप हमारे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस का मतलब यहां मौजूद होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के सर्किट के अंदर मौजूद होने के कारण ही हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।